बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चील चौक फ्लाईओवर की लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, आपको दिखा रहा हूँ। चील चौक फ्लाईओवर के ऊपर ये जो साइड पे जो वाल बनता है एक फ्लाईओवर के ऊपर, उसके ऊपर ये स्टील वर्क हो रहा है। काफ़ी हद तक काम ये स्टील वर्क का हो चुका है। ये जैसे ही मुकम्मल होगा उसके बाद ये इसके ऊपर स्फाल्ट का काम शुरू हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ABR क्वालिटी टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो हो, लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट्स हो, वो आप तक बरवक्त पहुँच जाया करें। तो ये आप लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चील चौक फ्लाईओवर की ये है। आज 21 जून 2024 की डेट है और तब यही अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ से इनसे मुंसलिक चीज़ें जो फ्लाईओवर के साथ है वो भी आगे दिखाता हूँ आपको। पहले आपको मैं नाला यहाँ पर दिखा दूँ, क्या है इस फ्लाईओवर के नीचे से जो नाला गुजरेगा, आया उसको ये जैक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इस यहाँ पे आपको मैं क्लियरली दिखाता हूँ। ये वाल्टन रोड की तरफ से नाला आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ देखें, यहाँ पे बेसिकली नाले को फ्लाईओवर के नीचे से गुजारना, वहाँ पे जैक का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको वो पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ये देखें चुड़ाई, देखें वो बीच में जैक आ रहा है, ठीक है। जो चुड़ाई है उसकी खुदाई जो हुई है वो सामने जैक आ रहे हैं उसके बीच में, ठीक है। अभी आपको मैं दूसरी साइड से भी व्यू दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या कोई मसला मसाइल तो नहीं आ रहा इसके साथ, क्योंकि वहाँ पे दूसरी साइड जो अभी दिखाता हूँ वहाँ से उन्होंने नाले को दिए कर्व। अगर उस साइड से देखा जाए, यहाँ से ये देखिए कर्व दिया हुआ यहाँ से भी, और अब ये दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ कि आया जहाँ से कर्व दिया हुआ नाले को, वहाँ से ये जग बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जो पहली साइड दिखाई वहाँ से तो ऐसे थोड़ा सा फील हो रहा है कि शायद वो बीच में जैक आ रहा है, लेकिन यहाँ से व्यू दिखाता हूँ यहाँ से क्या होता है। ये कर्व दिया हुआ यहाँ से, अगर आप इस तरह सीधा आए वाल्टन रोड वाली साइड पे, तो यहाँ से बीच में जैक नहीं आ रहे, यानी जैक साइड पे है और नाला इसके सेंटर में से गुजर जाएगा। वो देखे दूसरी साइड भी यहाँ से ऐसे लग रहा है, बिल्कुल यहाँ से 100% लग रहा है कि जैक बीच में नहीं आएंगे। ये देखिए क्लियर आपको मैं आपसे दिखा रहा हूँ कि जग बीच में नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया, हो सकता है इसके ऊपर आज या कल में काम स्टार्ट हो जाए, मंडे से या संडे से इसके ऊपर इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। ये फ्लाईओवर की ये दीवार जो यहाँ पे रोड गुजरेगा, जो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेगा यहाँ पर, इसके अंदर ये देखें बीच में उन्होंने छोटे छोटे पाइप भी लगाए हैं पानी के अखराज के लिए। जगह जगह पर ये पाइप इसके अंदर लगे हुए हैं। ये इसकी दीवार है, टाइल देखें मजबूत टाइल लगाई हुई है यहाँ पर उन्होंने। ये आज की अपडेट में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ और मज़ीद आगे जाके और भी दिखाता हूँ कि आगे कितना काम इसके ऊपर हो चुका है रोड के ऊपर। लेटेस्ट अपडेट बस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो हो बर वक्त आप तक जो है ना टाइम पर पहुँच जाया करें। यहाँ से देखिए जगह जगह पर उन्होंने पाइप डाले हुए, ये टाइल देखें आप, टायल नहीं है बल्कि बड़े बड़े पत्थर है ये, लेकिन यहाँ से ऐसे जब फिक्स किए हों तो ऐसे लग रहा है जैसे टायल है। अब यहाँ से दूसरी जगह से देख लें, यहाँ से फ्लाईओवर राबिया बसरी कॉलेज वाली साइड से, कि यहाँ से भी स्टील वर्क जो साइट वाल है उस पर भी काम हुआ है। एक यहाँ से व्यू देख लें, ताकि फिर मैं आगे जाऊँ वहाँ पर काम की डिटेल आपको बता दूँ कि वहाँ पर पोजिशन इस वक्त क्या है। इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्द यहाँ पर हो जाएगा ख़त्म नाले का। तो ये जून का महीना है, 21 जून डेट है, तो जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जुलाई के स्टार्ट में इस नाले को ऑपरेशनल कर दिया जाए। सिर्फ दो तीन जगह रहती है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर दिया कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये नाला बनने वाला है, लेकिन फिर भी इसको रूट उन्होंने मुख्त दिया हुआ। अगर नाले को ऑपरेशनल करते भी हैं तो रूट उसको दिया हुआ, वो काम पानी यानी इसका गुजर हुआ करेगा, लेकिन यह है कि अभी है 5-10 दिन पड़े हुए हैं इसके ऊपर जून का महीना ख़त्म होने, तो इंशाल्लाह इन्हीं दिनों के अंदर ये भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद मोटरें जो लगनी है उसके अंदर डिस्पोजल के अंदर वो लगा दी जाएगी और फिर दोनों नालों को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, क्योंकि आगे मानसून शुरू होने वाला है जुलाई के अंदर। और इस दफ़ा जो महकमा मौसम ये यहाँ पर जो रोड की जो लाइट है उसका ये पोल बना हुआ है, इस पोल के अंदर जो है ना लाइटें लगेगी, रोड लाइट। अच्छा, इसके अंदर जो मोटरें लगेगी डिस्पोजल के अंदर वो काफ़ी हैवी किस्म की मोटरें हैं, वो सारा पानी खींचा करेगी इस नालों से, तो आगे वो फिर दिखाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में, कि जो पाइप उन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ नाले को जो कनेक्शन दिया हुआ वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें मैं वो आपको वो भी दिखा दूँगा।
ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो के अख्ताम यहीं पर करते हैं, हमें दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।